Hello, my dear friends. Again, you all are welcome to our channel that is Best Notes Tutorials. I'm Roshni, and today I'll continue with my previous class that is on proverbs. So, these are the proverbs which we get in the examination of banks, KVs, and SSEs, etc. Okay, so let's begin with number 21.

मैं अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ लेकिन ये हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है या फिर अच्छा हो या बुरा हो उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है वो ख़त्म होने के बाद दूसरा फेज जो है वो शुरू हो जाता है ठीक है तो इसका माने है गुड एक्सपीरियंसेस इवेंचुअली कम टू एन एंड अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो अंततः ख़त्म हो जाता है उसका एंड आ जाता है लेट्स सी एग्ज़ाम्पल आई वॉज सो सैड टू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज एंड सेपरेट फ्रॉम माई फ्रेंड्स बट I have to realize that all good things come to an end। तो इसका मतलब यही है कि कोई है जिसने graduate complete किया उसके बाद में अपने दोस्तों से बिछड़ना हुआ finally वो realize करते हैं कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो उसका अंत होना निश्चित है ठीक है इसका meaning यही है all good things come to an end। Let's move to next number ट्वेंटी टू ऑल इज़ वेल दैट एंड वेल अंत भला तो सब भला एज़ लॉन्ग एज द आउटकम इज़ गुड प्रॉब्लम्स ऑन द वे डोंट मैटर रास्ते में जितनी भी दिक्कतें हुई हैं वो सब सेकेंडरी हो जाती है जब हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन पे अच्छे से पहुंच जाते हैं ठीक है हम लोग वो हर्डल भूल जाते हैं एग्जाम्पल देखते हैं आई एम ग्लैड यू फाइनली गॉट योर मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पे पहुँच गए इवन दो योर कार हैड अ फ्लैट टायर ऑन द वे इसके बावजूद कि आपका कार फ्लैट हो गया इट मीन्स पंचर हो गया था ओ वेल दैट्स ऑल इज वेल दैट एंड वेल कोई बात नहीं अंत भला तो सब भला ठीक है लेट्स मूव टू ट्वेंटी थ्री ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड जो चमकता है वो सोना नहीं होता हर चमकने वाला चीज सोना नहीं होता इसका मीनिंग है ये थिंग्स दैट लुक गुड आउटवर्डली मे नॉट बी एज वैल्यूएबल और गुड ज़रूरी नहीं है कि जो बाहर से अच्छा दिखता है वो अंदर से भी अच्छा हो ये चीज़ आप ये ये प्रोवर्व आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इंसान के लिए भी और चीज़ों के लिए भी अच्छे से पैक्ड चीज़ कभी कभी अच्छा नहीं होता वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती या फिर वो अपने लिए यूज़फुल नहीं होता तो वही इंसान के लिए भी एप्लीकेबल है दिखने में पर्सनालिटी अच्छा हो ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से भी उतना ही अच्छा और वैल्यूएबल हो ठीक है तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में कन्वर्सेशन दो लोगों का एक्स एंड वाई एक्स का कहना है आई वॉन्ट टू बी अ मूवी स्टार वेन आई ग्रो अप मैं एक मूवी स्टार बनना चाहती हूँ जब मैं बड़ी हो जाऊँगी दूसरा इंसान कहता है फिल्म इंडस्ट्री लुक्स गुड फ्रॉम द डिस्टेंस बट इट हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम्स रिमेंबर ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड दूर से फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छा दिखता है लेकिन इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ज़रूरी नहीं है कि जो चमकता है वो सोना हो हम लोग को केयरफुल रहना चाहिए ओके लेट्स मूव टू नंबर ट्वेंटी फोर ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर प्यार और जंग में कुछ भी जायज है प्यार में और जंग में लिमिटेशंस नहीं रहता रूल्स ब्रेक होते और सिस्टम वायलेट होता है ठीक है तो इसका मतलब है वन कैन ब्रेक द रूल्स ऑफ फेयर प्ले अंडर एक्सटेनुएटिंग सरकमस्टांसेस जब ज़रूरत हो तो रूल्स एंड रेगुलेशन पर अटक के नहीं रह सकते प्यार हो या जंग हो जंग में भी हम लोग आ, सपोज थोड़ा सा सीमा आगे बढ़ जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दुश्मन आगे बढ़ जाते हैं तभी फाइट होता है ना तो लव में भी वही है अगर अच्छे से काम नहीं बन रहा है तो हाथ टेढ़ी करके घी निकालना पड़ता है नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक्स का कहना है हाउ कैन यू पिच माई आइडिया टू द बॉस टू लुक गुड आप मेरा आइडिया को कैसे पोट्री करोगे अपने बॉस के सामने जिससे कि वो अच्छा लगे तो दूसरा दूसरा इंसान कहता है कम ऑन ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर मैं किसी भी तरह से वो काम कर लूँगा नंबर ट्वेंटी फाइव ऑलवेज़ पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड हमेशा अपना अच्छा कदम आगे रखना चाहिए इसका मतलब है जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए ट्राई एज हार्ड एज यू कैन और गिव योर बेस्ट जो जितना अच्छा हो सके वो काम करना अच्छे मोटिव के साथ अच्छे हार्डवर्क के साथ एग्जाम्पल देखते हैं यू नीड टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन द इंटरव्यू इफ़ यू वॉन्ट टू लैंड दैट जॉब Here, अगर आपको इंटरव्यू चाहिए तो आप अपना बेस्ट फुट आगे कीजिए मतलब जीत तो और मेहनत कीजिए नेक्स्ट इज़ नंबर ट्वेंटी सिक्स अमंग द ब्लाइंड द वन आइड मैन इज किंग इसका मतलब है अंधों में काना राजा ठीक है जो टोटली totally कैपेबल नहीं है उसमें से थोड़ा सा कैपेबल आदमी आ जाए स्किल्ड आदमी आ जाए तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होने लगता है एन इनकेपेबल पर्सन कैन गेन पावरफुल पोजिशन इफ़ अदर्स इन द फ्रे आर इवन मोर इनकेपेबल जैसा मैंने बताया आपको जो केपेबल पर्सन नहीं है कुछ नहीं जानने वाले हैं वहाँ पे थोड़े जानने वाले का वैल्यू ज़्यादा होता है एग्जाम्पल देखते हैं डिस्पाइट ही इज ऑब्वियस लैक ऑफ एक्सपोज्योर एंड स्किल्स ही बिकेम हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बिकॉज ही इज एन आइड अमोंग द्लाइंड अंधों में काना राजा है जिसकी वजह से वो डिपार्टमेंट का हेड बन के बैठा हुआ है उसको जितना आता है उससे कम बाकी लोगों को आता है या आता ही नहीं है ओके लेट्स मूव टू नंबर ट्वेंटी सेवन एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे इसका मतलब है ईटिंग एन एप्पल अ डे विल कीप यू हेल्दी एप्पल में जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है जिसकी वजह से हम लोग हेल्दी रहते हैं इसलिए हम लोग को रोज एक एप्पल खाना चाहिए ताकि डॉक्टर को दूर रखें डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े स्विच फ्रॉम चिप्स टू एप्पल्स For your snack, an apple a day keeps the doctor away. Chips तो बहुत ही unhealthy है ठीक है तो fast food से यहाँ pe shift करना है healthy में तभी हम लोग doctor से दूर रह सकते हैं An empty vessel makes much noise. अधजल घगरी छलकत जाए ये है ना एक कहावत हिंदी में तो इसी का इंग्लिश फॉर्म है एंड empty vessel वेसल मेक्स noise. फुलिश और स्टुपिड पीपल आर द मोस्ट टॉकेटिव जिसको कुछ नहीं आता जिसको किसी के बारे में जानकारी नहीं है वो कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं जिसको जानकारी है वो चुपचाप रहते हैं जहाँ ज़रूरत हो वहीं पे बोलते हैं ठीक है तो इसका मतलब है अधजल गगरी छलकट जाए एग्जाम्पल द स्पोक पर्सन ऑफ द रूलिंग पार्टी रूलिंग पोलिटिकल पार्टी येस्ट डे वॉज शाउटिंग एट द टॉप ऑफ इज वॉइस ऑन ए टी वी डिबेट ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल एम टी वेसल मेक्स मच नॉइस कोई रूलिंग पार्टी का इंसान है जिसने कुछ कांड किया है और वो चाहता है कि अपना आवाज़ ऊँची करके अपनी बात को बनवा लें राइट लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो उसको डिफेंड कर रहा है जिसको डिफेंड किया ही नहीं जा सकता राइट एन आइडल ब्रेन इज द डेवल्स वर्कशॉप एंड आइडल ब्रेन भी बोल सकते हैं या फिर माइंड भी बोल सकते हैं एंड आइडल माइंड एज द डेवल्स वर्कशॉप खाली दिमाग शैतान का घर इफ़ यू हैव नथिंग टू डू यू विल लाइकली थिंक ऑफ मिस चीफ अगर आपको कुछ काम नहीं है हाथ में तो इतना श्योर है कि आप किसी की चुगली करेंगे या फिर कोई अन प्रोडक्टिव काम में लग जाएंगे ठीक है जिसका कोई महत्व नहीं होता दूसरे को परेशान करने के लिए ही आप अपना दिमाग चलाएंगे इसलिए कोई ना कोई काम दिमाग में रखना ही है एग्जांपल दी किड्स शुड बी केप्ट बिजी ड्यूरिंग द समर ब्रेक अदरवाइज यू नो एन आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप बच्चों को समर वेकेशन में इंगेज करके रखना चाहिए किसी न किसी काम में अदरवाइज उन लोग खुराफात मचा के परेशान कर देंगे नेक्स्ट इज नंबर थर्टी एन आउंट्स ऑफ प्रोटेक्शन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ही मददगार है कोई भी डिजीज को क्योर करने के लिए अ लिटल प्रिकॉशन बिफोर अ क्राइसिस हिट्स इज बेटर दैन लॉट ऑफ फायर फाइटिंग आफ्टर वर्ड्स इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो प्रिकॉशन इज बेटर दैन क्योर अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो प्रिकॉशन इज बेटर दैन क्योर यहाँ पे देखिए प्रिकॉशन अगर पहले से किया जाए तो बाद में फायर फाइटिंग की जरूरत नहीं होती है गेट द वैक्सीनेशन ऑन प्रायोरिटी एन अउंट्स ऑफ प्रोटेक्शन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर प्रोटेक्शन इज बेटर दैन क्योर इसको याद रखिए तो आपको ये प्रभाव भी याद हो जाएगा नंबर थर्टी वन अ पिक्चर इज वर्थ अ थाउजेंड पिक्चर से हम लोग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कैच कर सकते हैं दैन वर्ड्स मैं कि कोई चीज़ को आपको एक्सप्लेन करते 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 थक जाऊंगी आपको उतना समझ में नहीं आएगा लेकिन पिक्चर के साथ समझाऊंगी तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा जैसा कि मैंने इडियोम्स एंड फ्रेजेस में किया था मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया और पिक्चर भी दिखाया पिक्चर दिखाने से क्या होता है कि आपके माइंड में आपके माइंड में चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है ठीक है इसी का कहना यही है इट इज ईजियर टू शो और एक्सप्लेन समथिंग थ्रू अ पिक्चर देन थ्रू वर्ड्स अ पिक्चर इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स इट इज इजियर टू लर्न बायोलॉजी थ्रू पिक्चर्स देन थ्रू रीम्स ऑफ टेक्स्ट टेक्स्ट बुक से ज्यादा पिक्चर देख के बायोलॉजी अच्छे से क्लियर की जा सकती है नेक्स्ट इज थर्टी टू नेक्स्ट इज अपियरेंसेज कैन बी डिस अपियरेंसेज कैन भी डिसप्टिव का दूसरा प्रोवर्व जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वो है ऑल क्लिटर्स दैट कैन नॉट बी गोल्ड ओके उसके सिनोनिम है आउटवर्ड अपियरेंस में नॉट बी वॉट यू बिलीव देम टू बी बाहर से जो लोग दिखते हैं जैसे ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से भी वैसे हो यहाँ पर दो कन्वर्सेशन है दो इंसान का जिससे कि हम लोग क्लियर करेंगे ये नंबर थर्टी टू का प्रोभव लेट्स सी ही वॉज वेल मैनर्ड शोव एंड गुड टू टॉक टू बट ही टर्न आउट टू बी अ चीटर एक इंसान था जो कि वेल well मैनर्ड दिखता था और शॉव भी था उसमें मैनरिज्म भी था लेकिन बाद में पता चला कि वो एक चीटर था वेल अपियरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव जो दिखते हैं ज़रूरी नहीं है वो सही हो वो डिसेप्टिव है मतलब धोखा मिल सकता है डिसेप्टिव मतलब जो ओरिजिनल है वो नहीं होना धोखा देना नंबर थर्टी थ्री अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस एक जो बोल्डर है स्टोन है जो कि मूव करते रहती है वाटर में ठीक है तो इसमें कोई मॉस जो काई लगती है वो नहीं लगेगी क्योंकि ये चलती रहती है मूव होती रहती है ठीक है जिससे कि वो का जमने का कोई स्कोप ही नहीं रहता अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज चेंजिंग जॉब्स एंड प्लेसेज हैज़ द एडवांटेज ऑफ लेस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमेशा मूव करते रहता है इधर से उधर उसके जगह का कोई ठिकाना नहीं है उन लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम आती है क्योंकि लोग सोचते हैं कि अरे इसको तो कल चले जाना ही है इसको काम देके कोई फ़ायदा नहीं है फिर तो हमें लोगों को करना पड़ेगा या फिर नेक्स्ट टाइम हम लोगों को इससे काम नहीं निकाल सकते इसकी वजह से हम लोग को खुद ही करना पड़ेगा इस वजह से उन लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाता है बट ऑल्सो द डिसडवाटेज ऑफ नो फिक्स्ड प्लेस टू लिव लेकिन एक डिसएडवाटेज भी है वो क्या है उन लोग का फिक्स जगह नहीं होता ठीक है उनका ठिकाना नहीं होता बंजारे की तरह एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते रहना पड़ता है लेट्स एग्जाम्पल ही वॉज अ बिट ऑफ रोलिंग स्टोन बिफोर ही गॉट द जॉब एंड सेटल्ड डाउन जॉब मिलने से पहले वो एक रोलिंग स्टोन के जैसा था जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहता था ओके लेट्स मूव टू नंबर थर्टी फोर अ शिप इन दार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट वॉट अ शिप इज फॉर देखिए एक शिप को अपने जगह से बाहर नहीं निकाले हार्बर मतलब जहाँ के हम लोग अटका के रखते हैं उसको बट इट इज नॉट दैट बट इट इज नॉट वॉट अ शिप मैन फॉर लेकिन इस चीज के लिए वो शिप बना नहीं है शिप बना है पानी में तैरने के लिए और जो काम के लिए उसको बनाया गया है वो काम को कंप्लीट करने के लिए हो सकता है वो वॉर के लिए यूज़ हो रहा हो हो सकता है वो आ, कार्गो शिप हो सामान इधर से उधर ले जाने के लिए तो उसको पानी में तो जाना ही पड़ेगा वो तो सिर्फ आ, बैंक में रहने से तो कोई फ़ायदा नहीं है।, है ना उसका पर्पज़ कंप्लीट नहीं होगा इसलिए इसका मीनिंग होता है गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू ग्रो एंड फुलफ़िल योर पोटेंशियल अपना जो कंफर्ट जोन है उसे बाहर निकलना अपने घर से बाहर निकलना बाहर के दुनिया को देखने के लिए दुनिया देखेंगे तभी ग्रो करेंगे और तभी हम लोगों का ड्रीम फुलफिल होगा घर में रहने से नहीं होगा तो इसका मतलब यही है एग्जाम्पल आई थिंक योर फियर्स आर अनफाउंडेड यू शुड ट्रेवल टू इटली फॉर द मॉडल यू एन आई एम श्योर यू विल लर्न lot. Remember, अ शिप इन द हार्बर इज सेफ बट दैट इज़ नॉट what अ शिप इज फॉर तुमको बाहर निकल के देखना चाहिए बाहर इटली जाके घूमना चाहिए और वहाँ पे जगह को ट्रैवल करना चाहिए लर्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ें याद रखना जो शिप हार्बर में है वो सेफ है लेकिन उसका कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है और उस चीज़ के लिए वो बना भी नहीं है इंसान बना है लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आता है उसको फेस करने के लिए तो वो चार दीवारी के अंदर रह के अपना लाइफ नहीं जी सकता अच्छे से इसलिए बाहर निकलना है लाइफ को फेस करना है अप्स एंड डाउन्स को एक्सपीरियंस करना है और फिर आगे बढ़ना है ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रोव अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन समय पर टाँका लगाने से नौ की जिंदगी बच जाती है इट्स बेटर टू डील विद प्रॉब्लम्स इमिजिएटली रादर दैन वेट बाई वेन दे वर्सन एंड बिकम मच बिगर हम लोगों को प्रॉब्लम्स का इमिडिएट इलाज करना चाहिए न कि उसके बदतर होने का इंतज़ार करना चाहिए एग्जाम्पल देखते हैं बिकॉज वी एंटिसिपेटेड एंड रिस्पॉन्डेड टू द पॉसिबल चेंज इन फेसबुक एलिगोरिदम द रेफरल ट्रैफिक टू आवर वेबसाइट ड्रॉप्ड much less than what happened to some of our competitors i st a stitch a stitch in time saves nine yahan pe dekhiye jo facebook ne changes kiya tha apne algorithm mein uske accordingly kisi ne apna response दिखाया जो भी changes उसके channel में करना था उसने किया जिसकी वजह से traffic जो है उस channel पे थोड़ा सा ही कम हुआ कंपेयर to ह्यूज ड्रॉप बहुत ज्यादा नीचे गिरना था ट्रैफिक लेकिन उतना ज्यादा नहीं गिरा थोड़ा सा ही गिरा बाकी कॉम्पिटिटि के कंपैरिजन में ओके तो एक स्टिच और एक टाँका जो टाइम पे लगाते हैं वो नौ लोगों का जान सेव करता है ठीक है लेट्स मूव टू लेट्स मूव टू नंबर थर्टी सिक्स एज यू सो सो सेल यू रीप जैसा बोगे वैसा काटोगे योर एक्शंस गुड और बैड डिटमाइन वॉट यू गेट आप जो करोगे वैसा ही फल वापस मिलेगा यू हैव गॉट एंटैंग एंटैंग मतलब उलझ जाना ठीक है यू हैव गॉट एंटैंग इन फ्यू केसेस ऑफ फ्रॉड दैट्स अ रिजल्ट ऑफ योर इलीगल गेट रिच क्विक मेथड्स यू शुड हैव नोन एज यू सो सो सैल्य अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड ये तो बहुत ही आसान है जो कि हर जगह हम लोग यूज़ करते हैं एक अच्छा दोस्त जो है वो हर मुसीबत में साथ रहता है देर मे बी मैनी पीपल अराउंड यू हु कंसिडर देम सेल्वस योर फ्रेंड बट ओनली सम वन हु इज़ फॉर यू इन द डिफ़िकल्ट सिचुएशन टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू कैन बी कॉल्ड योर ट्रू फ्रेंड जो आपके क्रूशियल टाइम में जो आपके बुरे दिन में साथ है उन्हें लोग आपके सच्चे दोस्त हैं बाकी कहने के लिए तो बहुत सारे दोस्त हैं फेसबुक में भी बहुत सारे दोस्त होते हैं लेकिन सभी लोग हमको हेल्प करने के लिए नहीं आते प्रैक्टिकली सीता हेल्प्ड गीता ड्यूरिंग हर बैड डेज इट्स प्रूफ्ड दैट अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन लीड नेक्स्ट लेट्स मूव टू तो थर्टी एट अ वॉच पॉट नेवर बॉइस ये तो जो भी किचन में काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है दूध जब हम लोग बिठाते हैं बॉईल होने के लिए जब तक देखेंगे तब तक नहीं गिरेगा जैसे ही पल के छपकाएंगे तो गिर जाएगा है ना तो वहीं से आया है ये प्रोवर्व अ वॉच्ड पॉट मतलब एक पॉट जिसको कंटिन्यूसली देखा जाता है कि उबल के ना गिर जाए वो कभी बॉयल नहीं होता थोड़ा सा इधर उधर हो बस गिर जाता है इफ़ यू इमपेश वेट फॉर समथिंग गुड एंड डिज़ायरेबल टू हैपन इन योर लाइफ इट इज़ प्रोबेबली नॉट गोइंग टू हैपन जिस चीज़ के लिए आप बहुत ईगरली उत्सुकता के साथ में वेट कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो वो खुशी का मोमेंट आपके लाइफ में आए ये इसलिए क्योंकि वॉचड पोर्ट नेवो बॉयल्स ठीक है जिसको हम लोग देखते हैं कंटिन्यूसली और जिस चीज़ का हम लोग वेट करते हैं वो हार्डली हमारे ज़िंदगी में आता है डोंट बी ईगर टू मीट हिम और वॉचड पॉट नेवर बॉयल्स उसका इंतज़ार इतना ईगरली मत करो क्योंकि जिसके लिए हम बहुत सारे उत्सुक होते हैं वो पल आता नहीं हम लोगों के लाइफ में नाइन अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड हम लोग जितना भी कमा लें लेकिन जब तक हम लोगों को रखने का सहूलियत नहीं मालूम होता तब तक हम लोग लाख करोड़ में भी कमाएँ कोई फ़ायदा नहीं होता इन ऑर्डर टू सेव मनी यू नीड टू बी थ्रिफ्टी एंड केयरफुल बट केयरफुल विथ योर स्पेंडिंग एवरी पेनी दैट यू सेव हेल्प्स टू मेंटेन योर फिनेंशियल सिचुएशन यहाँ पे वही बोला गया है कि एक पेनी एक कम अमाउंट जो हम लोग सेव करते हैं वही थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होता है ऐसा नहीं कि हम लोग लाख रुपए रखेंगे तो उतना ही हम लोगों को सेव्ड मिलेगा थोड़ा थोड़ा करेंगे तब लाख रुपया होता है ठीक है डोंट बी इलेटेड अबाउट योर हेफ्टी सैलरी आफ्टर ऑल ओनली अ पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न इतना मोटा सैलरी मिलने के लिए खुश मत हो क्योंकि तुम बहुत वेस्टफुल हो बहुत खर्च करती हो ऑल अ पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड आप अर्निंग हेफ्टी करते हो बहुत ज़्यादा आपकी तगड़ी कमाई है लेकिन उसका मतलब नहीं है कि आप आप रिच हो गए क्योंकि आपका स्पेंडिंग भी ज़्यादा है आप खर्च भी ज़्यादा करते हो इसलिए पेनी को सेव करना सीखिए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ज़रूरत के टाइम में ज़रूरत के टाइम में जो एक्शन हम लोग लेते हैं उसी के कारण लाइफ सेव यहाँ पे मैंने डिफरेंट लाइंस लिए हैं एक्सप्लेनेशन के लिए चलिए देखते हैं इट्स अ वार्निंग अगेंस्ट प्रोकेस्टिनेशन प्रोकेस्टिनेशन मतलब प्रोकेस्टिनेशन का मतलब है डिले करना चीज़ों को कल पे थोपना राइट इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम यू नीड टू फेस इट इमीजिएटली एंड ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन बिफोर इट गोज टू लार्ज सो इट वुड बी हार्ड टू सॉल्व प्रोकेस्टिनेशन नहीं करना है किसी को जो प्रॉब्लम है उसका इमीडिएट सल्यूशन निकालना है तभी वो जो प्रॉब्लम है उसको लार्ज होने से बड़ा होने से बचा सकते हैं और उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं बड़ा होने के बाद हर समस्या जटिल हो जाती है ना आई एम टेलिंग यू गेट रीड ऑफ दिस क्रूअल पार्टनर ऑन टाइम अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन एक स्टिच जो है मतलब एक्शन लेना है तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा और ये एक मैरिज का एग्जाम्पल है तो आज हम लोग अपना क्लास यहाँ तक रखते हैं इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल कम्प्लीट प्रोवर्ब्स ओके सो टिल देन वी मीट टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग टू एवरी वन